हरियाणा सरकार कैदियों को रिहा करने जा रही है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पवार। इनसे जानते हैं कि किन कैदियों को छोड़ा जाएगा और उसमें क्या शर्त होगी। जी पवार जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इस बात का बहुत धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जेल मंत्रालय जो माननीय मुख्यमंत्री के पास पहले था, जिन्होंने इस पौने 3 साल में 14 महीने की जो हमारे बंदी हैं उनको माफ़ी दे चुके हैं। और अब कल ही हमने घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी को उदारता उन्हें दिखाते हुए, मुझे कहा था कि इस प्रकार की एक पॉलिसी लेकर आए जिससे जो बंदी हैं, जो ओल्ड एज हैं, जिस प्रकार से 75 साल के जो पुरुष हैं और 65 साल की जो महिलाएं हैं जो जेलों में सज़ा काट रहे हैं, हमने फैसला किया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि जो 20 साल जिनको सज़ा हुई है और जिन्होंने 8 साल सज़ा काट ली है, 75 साल के पुरुष और 65 साल की महिलाएं, उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये कल हमने 15 अगस्त पर घोषणा की है सर। इसी प्रकार से 10 साल या 10 साल से नीचे जो भी कैदी हैं जिन्होंने 2/3 सजा काट चुके हैं, वही एज 75 साल पुरुष और 65 साल महिला रहेगी, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा 10 साल से ज़्यादा जो सजा याफ्ता हैं उनको 45 दिन की सज़ा माफ़ी दी गई है, और जो 10 साल से कम के सजा याफ्ता लोग हैं उनको 1 माह की माफ़ी दी गई है जेल के अंदर। पवार साहब, जेल में सुधार के लिए सरकार क्या काम कर रही है और कैदियों से क्या क्या चीज़ें बनवाई जा रही हैं? इसके लिए हमने सभी जेलों के अंदर हमारी वर्कशॉप हैं, एनजीओ हमारे जेल सुपरिटेंडेंट से संपर्क करते हैं, आते हैं, मीटिंग करते हैं, और कुछ ऑर्डर भी आते हैं, कुछ फैक्ट्रियों के भी ऑर्डर आते हैं जो वर्कशॉप में हमारे जो बंदी हैं उनसे काम कराते हैं, जॉब वर्क, और जिसमें हम जो विचाराधीन बंदी हैं या कैदी हैं वो अलग अलग, चाहे कोई मोटर वाइंडिंग का काम है या वर्कशॉप का काम है, हैंडीक्राफ्ट का काम है, पेंटिंग का काम है, कारपेंटर का काम है, तो इसलिए हर प्रकार की वर्कशॉप हमारे जिलों के अंदर अलग अलग डिफरेंस कार्य करते हैं, और उनकी एक शॉप और प्रदर्शनी हम डीजीपी कार्यालय पंचकुला में स्थापित करने जा रहे हैं जिससे कि लोगों के अट्रैक्शन हो कि जेल के अंदर जो बंदी हैं इस प्रकार के सामान बनाते हैं, ऐसी हमारी तैयारी है। पवार साहब, सरकार गीता जयंती जो जेल में मनाने जा रही है उसकी सरकार की क्या तैयारियां हैं? पिछले वर्ष भी गीता जयंती को स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने बहुत धूमधाम से कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती को बहुत महत्व के पर्व के रूप में मनाया था, और अब की बार फिर हरियाणा सरकार स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज खुद उसकी तैयारी के लिए शुरुआत जेलों से कर रहे हैं, और सबसे पहले अम्बाड़ा जेल के अंदर जो बंदी है उन जेल के बीच में जाकर के गीता का प्रचार करेंगे, और मैं खुद भी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ अम्बाड़ा जेल के अंदर जाऊंगा, और जिससे वो सभी जेलों के अंदर जाकर ज्ञानानंद जी महाराज गीता का प्रचार करेंगे और गीता जयंती को हरियाणा प्रदेश में हम धूमधाम से मनाएंगे।
ये थे मेरे साथ हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पवार। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो कैदियों को छोड़ने की घोषणा की है, उसको छोड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कैदियों को जेल के अंदर गीता का ज्ञान दिया जाएगा और ज्ञानानंद जी गीता जयंती की शुरुआत जेल से करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।